नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम कांतिलाल किशन राव नलगे, गांव नागरगांव, तालुका शिरोड, जिला पुणे। आज मैं आपको, मैंने जो 25-26 साल जो गो आधारित प्राकृतिक खेती की, वो किस तरीके से की, उसका तरीका क्या है, ये मैं बताना आपको चाहता हूँ। तो पहले से हमें जो प्राकृतिक खेती जो क्या है उसका अर्थ समझना चाहिए कि आज तक जो रासायनिक तरीके से जो खाद डालते हैं वो कुछ जानने की जरूरत नहीं, कौन सा ही खाद हमारे फसल का अनाज नहीं है, इसलिए तो हमें क्या करना है, यह तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारी फसल को बढ़ाने वाले, ज्यादा से ज्यादा उपज मिलने के लिए, उत्पादन मिलने के लिए, सब कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, गांडो, ऐसे जो जीवाणु है प्राकृतिक, वही काम आते है, वही जीवाणु भला तैयार करना है। वो कैसे तरीके से, तो मैंने जो अपना ही है वही एक शाश्वत प्राकृतिक खेती की त्रिसूत्री, यानी हम जो जीवाणु बढ़ाने के लिए जो फार्मूला बनाया है, उस फार्मूला में तीन पदार्थ है, वो है देशी गाय का गोबर 10 किलो, 5 किलो चने का आटा और 5 किलो पुराना या ऑर्गेनिक या प्राकृतिक जो तैयार किया हुआ गुड़, गुड़ नहीं मिला तो जूस, गन्ने का जूस आप यूज कर सकते हैं। तो उसकी कृति कैसे करनी चाहिए, पहले 5 किलो गुड़ में 10 लीटर पानी डालकर वो पतला करना है, वो पतला हो जो गुड़ हुआ है वो बेसन में डालना है और उसके पेस्ट करना है, वही पेस्ट गोबर पे डाल के, गोबर देशी गाय का गोबर ही होना चाहिए, वही ताजा, और उस गोबर के भी पेस्ट, पतली पेस्ट जो तैयार होती वह 200 लीटर ड्रम में डालकर 3 दिन रखना है, और 3 दिन के बाद इसमें 200 लीटर पानी डालना है, 3 दिन के बाद पहला पानी नहीं डालना, क्योंकि हमें जो 1 एकड़ के वो छिड़काव करना है, जो जब हमारी खेती में नमी होनी चाहिए उसी वक्त वो छिड़काव किया, और ऐसा छिड़काव 1-1 महीने के अंतर से 3 बार किया, तो फिर जिंदगी भर हमें यह जो स्लरी मैंने बनाया, बनाने का तरीका बताया है वही करने की जरूरत नहीं। तो होता है क्या, मैंने क्या क्या यूज किया है, देशी गाय का गोबर, चने का आटा और गुड़। आपको गोमूत्र क्यों नहीं, ऐसा सवाल आ सकता है, तो गोमूत्र ये औषधि है, जंतुनाशक है, इसलिए इसमें इसमें डालना नहीं, वो फसल पे बीमारी के लिए छिड़काव करने के लिए है, इस स्लरी में गोमूत्र डालने की जरूरत नहीं, बस उतना ही समझ लो। और यह करने से क्या होता है, जब हम जो सड़ा या छिड़काव देते हैं भूमि के सतह पर, उसमें नमी होना चाहिए, क्योंकि हमें जो 3 दिन फर्मेंटेशन होने के लिए रखा है गोबर, बेसन और गुड़, इसका मिक्स करके जो पेस्ट रखी थी उसका फर्मेंटेशन होकर इसमें बहुत सारे कुछ जीवाणु तैयार होते हैं, और वही जीवाणु जब मिट्टी में डालते तो दुगुना हो चुका हमेशा होते है। और मैंने तो बोला कि हर जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं, 3 बार किया 1-1 महीने के अंतर पे, तो क्यों नहीं, तो कुदरती तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से वही जीवाणु मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इतने मल्टीप्लाई होते कि हमारी फसल को जो चाहिए एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सब देने की तैयारी वो जीवाणु करते, कौन सा भी खाद डालने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कौन सा ही खाद हमारी फसल का अनाज नहीं, क्यों डालना है, रासायनिक तो नहीं, नहीं केमिकल बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनिक यानी सेंद्रीय खाद जो गांडूल खाद बोलते हैं वही पर भी डालने की जरूरत नहीं, और गोबर खाद भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोबर खाद यह जीवाणु का अन्न है, हमारी फसल का अन्न नहीं। इसलिए मैं अब तक 26 साल हुआ हमारे खेती में, कई हेडो है इसमें 8 फुट अंतर पे मैंने जो गन्ना किया है, इसमें खाली स्लरी डाले, और ये स्लरी डालने के बाद जो जीवाणु तैयार होते हैं बहुत सारे जीवाणु, उनका लिए आगे क्या करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, कि जो जीवाणु हमारी फसल के बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इनके लिए अन्न, वस्त्र और निवारा, इसकी सुविधा करने के लिए किसानों को जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, यह हुआ हमारी जमीन पहलवान या जीवाणु युक्त सजीव बनने का तरीका। अभी आगे हमें जो उत्पादन ज्यादा मिलने के लिए आशा है और हमेशा होना चाहिए हर किसान को, तो इसके लिए एक त्रिसूत्री है, यह पहली त्रिसूत्री हुई, कौन सी, देशी गाय का गोबर,
बेसन और गुड़, ये तीन पदार्थ तीन दिन खाली रखना है और तीन बार ही मारना है महीने महीने के अंदर। बस यह जीवाणु तैयार होने के लिए, हमारी मिट्टी भूमि अच्छी बनने के लिए यह जो फॉर्मूला है वो फिक्स करो, बस उतना ही। और दूसरा फॉर्मूला जो है त्रिसूत्री का, तो हमारे खेती में हमें जो उत्पादन लेना है, चाहे गन्ना हो, बहुत लंबे दिन ज्यादा दिन वाले जो पेड़ रहते हैं, आम जैसा अमरूद है, बहुत कुछ फल पौधे, वो ज्यादा दिनों के टिकने लिए कि जो करना है इसके लिए एक प्लान है। वो करने से पहले तीन चार महीने एक बीवर पिक लेना है। बीवर पिक यानी हम जो फसल लेते हैं वही फसल द्विदल वाला चाहिए, उसको बीवर बोलते हैं हमारे ये महाराष्ट्र में। बीवर बीवर यानी जो फसल आते है वही फसल आगे जो हम फसल लेने वाले हैं उसको कुछ ना कुछ देने के लिए, यानी नाइट्रोजन फिक्स करने वाली फसल, उसको दो दल फसल भी कहते हैं। उस दो दल वाली फसल में अरहर आती है, मूंग, उड़द, लोबिया और चना, या ऐसे कौन सा भी एक प्रकार का फसल लेना चाहिए पहला। ये दूसरा त्रिसूत्र जी मैं बोलता हूँ आपके लिए, उत्पादन आपको ज्यादा आने के लिए, तो ये बीवर पिक करके लेना है। और यह लेने के बाद दक्षिणोत्तर नालियां निकालकर आपको प्लान करना है, और इसमें बीवर आच्छादन और पानी व्यवस्थापन, ये त्रिसूत्र हमारे अगले जो फसल लेने वाला है वो अच्छा आने के लिए ये तीन तत्वों का यूज जरूर करना चाहिए। इसको भी मैं त्रिसूत्र ही बोलता है, बीवर आच्छादन और पानी व्यवस्थापन। तो बीवर का मैंने बता दिया कौन सा ही दो दल का एक फसल लेना बस, और वो फसल लेने के बाद दक्षिण उत्तर नालियां निकालकर आपका प्लान जो है, चाहे गन्ना हो, आम हो, अमरुद हो, पपीता हो, केला हो, कौन सा भी फसल ले, लेकिन दक्षिणोत्तर लाइन होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे वो आपको बताऊंगा कि आपको ये लेकर जो फसल करना है, गन्ना है तो एक आंख वाला गन्ना करना है, दो फुट पे दूरी एक एक आंख का अंतर रखना है, और दो लाइन में कम से कम 8 फुट अंतर रखना है। तो अंतर कितना रखना चाहिए, कम से कम 8 फुट दो लाइन में, क्यों कि इसमें भी गन्ना जब बोएंगे उसी वक्त ही बीच में द्विदल फसल के बीज आपको बुआई करना चाहिए, क्योंकि हमारा गन्ना जो बड़ा बड़ा होना चाहिए ऐसा लगता है, इसलिए 8 फुट डिस्टेंस रखना चाहिए। और उसको जो चाहे प्राकृतिक तरीके से जो मिलने वाले एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यह द्विदलों के फसल के माध्यम से ही मिलती है, जिनके जड़े को गठिया रहती है, इसके इसमें जो जड़े में जो गठिया रहते हैं वो गठिया में राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है, वो हवा में जो 78% नाइट्रोजन है नत्र है वो खींचती है खुद के लिए, और उसके पूर्ण आयु पूर्ण होने के बाद ऐसे ही मिट्टी में फिक्स करते है, और वही नाइट्रोजन हमारे मेन फसल को मिलते है, ऐसी सुविधा करने की जरूरत है। और उसका जो काड़ी कचरा पत्ता जो गिरता है वो द्विदल वाला फसल का, इनमें इसमें से पोटेश और स्फुरद वो आपसे मिलते है, वो कुदरती मिलते है, कुदरती तरीके से, बाहर के केमिकल टाकने की जरूरत नहीं, यानी एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रश्न जो सवाल है वो हम इंटर फसल के माध्यम से मिटते है। वो कैसा मिटता है, तो हमारे गन्ना का जो लाइन है, दो लाइन का जो बीच में डिस्टेंस है वो 8 फीट है, इसमें कम से कम 3 इंटर फसल मिलते है, अढ़ाई या 3 महीने का एक एक फसल लिया तो 3 इंटर फसल मिलते है। इसके माध्यम से हम जो कृषि विद्यापीठ बताते हैं कि 3-3 महीने के अंतर से आप 3 डोज दीजिए, कम से डोज एनपीके के केमिकल, इसके जगह हम इस द्विदल वर्गीय जो फसल लेती है इंटर फसल के माध्यम से, वो 3 बार लिया तो वो 3 डोसेस उसको मिलते है, यानी ऐसे तरीके से किया तो 100% 100% 100 टन यानी 100 टन उत्पादन गन्ने का मिलता है। ये मेरे एक्सपीरियंस बहुत बार मिला है मुझे, लेकिन मैंने जो बताया है विधि, पहला बीवर लेना है, बीवर फसल क्यों लेना है, हम जो गन्ना के बीज बोने वाला है उसी वक्त जो बीवर फसल के माध्यम से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुए वही नत्र एनपीके जो तैयार होती है वो पूरा हमारे ये एक एक ऑक करके मैं हमने गन्ना की बुआई की उसके लिए मिलता है, और वही फसल नहीं लिया तो हमारा गन्ना इतना अच्छा नहीं आता। इसलिए जो विधि मैं बताता हूँ, मैंने जो किया है अभी तक वही 100% सक्सेस है। पहला बीवर पिक लेने के बाद हम दक्षिणोत्तर क्यों लेना है,
क्योंकि पूर्व पश्चिम किया तो क्या तोटा होता है ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए दक्षिण उत्तर करना चाहिए, क्योंकि बीच में जो हम इंटरप्शन करने वाले हैं उसको भी सूर्य प्रकाश की जरूरत है, क्यों हमारे पूरी सृष्टि सौर ऊर्जा पे डिपेंड है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वही भी सौर ऊर्जा का ही है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो हम कुदरती तरीके से अन्न के माध्यम से हम सब जीव वो सौर ऊर्जा ले सकते हैं, लेकिन वनस्पति एक ऐसी है, हरी हरी पत्ती जो है वो अनाज तैयार करने वाले बड़े बड़े कंपनी है, कारखाने है, वो उस सौर ऊर्जा उस हरी पत्ते पे गिरने के बाद जो प्रथमतः जो बनते हैं वो कर्बोदक कार्बोहाइड्रेट प्रथिन है, ये एक साइकिलिंग है नेचुरल, और यह तैयार होने के लिए हर पत्ते के ऊपर सौर ऊर्जा गिरना चाहिए, इसलिए दक्षिण उत्तर होना चाहिए। पूर्व पश्चिम किया तो हमारे महाराष्ट्र में ऐसा एक तरीका है, यानी हमारे पूरा भारत में ज्यादा से ज्यादा दक्षिण दिशा से सूर्य रहता है, जब 11-12, 1-2 बजे तक यानी दोपहर तक, तो उसका छाया जी गिरती है हमारे पेड़ की या पौधे की उत्तर साइड से, तो पूर्व पश्चिम किया तो हम जो बीच में इंटर फसल लेने वाले हैं उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलती, इसीलिए जब सूर्य मध्यान काल में आता है हमारे माथे पे आता है तो उसी वक्त दक्षिणोत्तर नाली किया तो बीच में जो इंटर फसल है उसके सूर्य प्रकाश मिलने की सुविधा होती है, इसीलिए दक्षिणोत्तर ही नाली होना चाहिए, इसको सब शास्त्र हमें मैं आपको जो बताता हूँ तो आपको भी पता है, लेकिन ऐसा करने के बाद हमें 3-3 इंटर फसल ले सकते हैं, पूर्व पश्चिम लिया फसल की या मेन फसल तो वो सक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए दक्षिणोत्तर होना चाहिए। और यह हुआ इंटर फसल के माध्यम से जो काली कचरा गिरता है वही खेती में ही रखना चाहिए, जैसा मूंगफली किया तो फलियां तोड़कर घर ले सकते हैं, लेकिन उसका जो पत्ता वगैरह काली कचरा रहता है वो वहां ही रखना है, क्योंकि हमने जो स्लरी के माध्यम से जो स्लरी डाली है बेसन पीट चेन और गुड़ के माध्यम से जो स्लरी बोलते हैं मैं, वो स्लरी डालने के बाद जो जीवाणु तैयार रहते हैं, इसमें मेन डायरेक्टर जो बोलते हैं हमारी कंपनी में MD बोलते हैं उसको, तो सभी को वो ख्याल रखते हैं, इस तरीके से हमारे खेती में जब स्लरी डालते हैं उसी वक्त क्या तैयार होता है, पहला गांडूल केचुआ, वो हमारी खेती में मैनेजिंग डायरेक्टर का जैसा काम करता है, उनकी उपस्थिति जरूर जब होती है तब बाकी जो है बैक्टीरिया बुरशी जीवाणु हमारे जो उपकारक जीवाणु है हमारी फसल बनाने के लिए वही आप वहां उनकी उपस्थिति होती है, लेकिन मेन जो उपस्थिति होना चाहिए उनकी वो कौन है, गांडूल केचुआ, और वो हमारा पूरा पृथ्वी का कि क्लाइमेट और कंट्रोल करने का इसमें ताकत है, कि विधाते ने हमारे गोबर देशी गाय जो बोलता हूं मैं कि देशी गाय का ही गोबर होना चाहिए, क्यों देशी गाय और गांडूल यानी केचुआ उनके अतड़ी ऐसी दी है कि बाकी पृथ्वी तल पर कौन सा भी जीव है उनकी नहीं, तो आपको एक एक्सपर्ट उदाहरण मैं देता हूं, बाकी जीव जो खाते है और उनकी विष्ठा जो निकलते वो इसका यूज नहीं होता, लेकिन केचुआ जो विष्ठा डालता है माटी खाकर मिट्टी खाकर उसकी विष्ठा इतनी अच्छी है कि इसमें सब कुछ यानी NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हमारी फसल को मिलती है, और उनकी उपस्थिति होने के लिए हमें देशी गाय का यूज करना पड़ता है गोबर का, तो उस गोबर में क्या है अनंत कोटि जीवाणु हमारी गाय के पेट में है, ऐसे बोलते हैं कि 33 कोटि देव है ऐसे पुराने लोग कहते हैं, लेकिन सही है उनके डॉक्टरेट नहीं हुई इसलिए 33 कोटि गॉड यानी देव हमारी गाय के पेट में ऐसे बोलते हैं, लेकिन 33 प्रकार के उच्च कोटि के उच्च प्रति के जीवाणु हमारी गाय के अतड़ी में है, इसलिए उच्च कोटि यानी हाई लेवल से, और विधाते ने ऐसी अतड़ी तैयार किया है ये दोनों जीवों की केचुआ और गाय के, उसको क्या बोलते है बायो रिएक्टर यानी जैविक भट्टी, जो खराब खाते हैं लेकिन विष्ठे में अच्छा डालते हैं, आप सोचो सब जीवाणु के पास यानी हम जो है प्राणी मात्रा जो मनुष्य भी जीव है सभी का सोच करो, खाते हैं अच्छे लेकिन डालते विष्ठे से डालते हैं माध्यम विष्ठे के माध्यम से डालते हैं खराब, लेकिन ये दो जीव ऐसे है खराब खाते और विष्ठा में जो निकालते है वो अच्छा है, क्योंकि हमारी जो फसल की जो खाद चाहिए उसी जो सब कुछ इनके विष्ठे में है, इसीलिए गोबर और जो डालते हैं वो देशी गाय और केचुआ ये दोनों जीवों को बहुत सारे हमारे पृथ्वी तल पे माना अच्छे माना जाता है, इसीलिए
गाय को बचाने के लिए भी पुराने लोगों ने उनको 33 कोटि दिए, उनके पेट में ऐसे बोला है, उनका कोई गलत नहीं, सही है। तो ऐसे माध्यम से खेती करते हुए मैंने जो बोला है बीवर्ड अच्छादन और पानी व्यवस्थापन, तो हमने जो बढ़ाया है अच्छादन कौन सा इंटर फसल के माध्यम से जो काली कचरा गिरा है वो ऐसा ही रखना है कि हम जो स्लरी डाल हमने जो स्लरी डाली है उस स्लरी के माध्यम से जो गांडुल यानी जीवाणु केचुए पैदा हुए उनका संरक्षण यानी अन्न वस्त्र और निवारा, ये तीन सवालों का जवाब छूटता है। ये जो हम इंटर फसल के माध्यम से कचरा रखते है वहां है वो मल्चिंग बोलते है, वो मल्चिंग उनका खाद्य भी है संरक्षण भी है और अब जो बोलते हैं अनाज अन्न वस्त्र और निवारा, ये तीन सवालों का जवाब मिलता है कहां से हम जो इंटर फसल लेते हैं उस काली कचरे के माध्यम से, बस इसलिए अच्छा इतना महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे फायदे हैं लेकिन आपको भी पता है, लेकिन मैं एक तरीके से थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूं। अभी सवाल रह गया पानी व्यवस्थापन, यानी पहले में 33 जी बता दिया गोबर बेसन और गुड़ ये तीनों को मिक्सर करके कैसा डालना है वो जीवाणु बढ़ने के लिए, और ये दूसरी त्रिसूत्री जो है बीवर अच्छादन और पानी स्थापन, बीवर कितना महत्वपूर्ण है ये भी हो गया, अच्छादन कैसा करना है ये हम जो बीच में जो इंटर फसल देते है उसका काली कचरा वहां रखना है, उसको बाहर नहीं हटाना और जालना भी नहीं। तो ऐसे तरीके से अच्छादन किया था वो अन्न वस्त्र निवारा ये वही जीवाणु का काम होता है वो पूरा होता है। अब बाकी प्रश्न जो रह गया वो है पानी व्यवस्थापन, पानी व्यवस्थापन यानी क्या वो इतना महत्वपूर्ण है, पानी हमारी फसल को कितना चाहिए खाली 5% हम देते हैं 100% लेकिन वो वेस्टेज जाते और ज्यादा पानी देने के बाद हमारे जीवाणु खत्म होते है। खुद हम एक्सपीरियंस करो हम पानी में डुबा कर कितने मिनट रह सकते है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के ज्यादा नहीं, और वो तो इतना जीवाणु सूक्ष्म है आंखों से नहीं देख सकते है, इतने जीवाणु सूक्ष्म है इसलिए उनको पानी जब ज्यादा दिया खेती को तो पूरा मर जाते है, इसलिए बार बार आपको स्लरी डालना पड़ता है वो करने की जरूरत नहीं, इसलिए पानी कितना देना है कैसा देना है कहाँ देना है ये सवालों का जवाब हमारे महाराष्ट्र में जो संत है ज्ञानेश्वर माउली उन्होंने उनके ग्रंथ में ऐसी एक ओवी लिखी है कि जैसे मूल सिंचनी यानी कैसे मूल यानी हम पानी कहाँ देना चाहिए मूल जड़े को देना चाहिए खोड़ को नहीं, हम खोड़ को पानी देते हैं इसलिए खोड़ को पानी देने के बाद क्या होता है हमारी फसल को बीमारी आती है और जड़े खत्म होते है, हम क्या बोलते हैं उनको बुरसी आई बीमारी आई लेकिन वो गलत है, हम ज्यादा पानी देते हैं इसलिए हमारी फसल को बीमारी आती है। तो पानी कहाँ देना है और कितना देना है, तो पानी जड़ों को देना है, जड़े कहाँ गए जितनी ऊंचाई पेड़ की हुई उतनी दूर हमारे फसल के जड़े अन्न और पानी छोड़ने वाली गए, इसलिए पानी जैसे जैसे ऊंचाई हो जाती है हमारी फसल के उतने उतने पानी दूर दूर देना चाहिए, खोड़ के पास बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और पानी कितना होना चाहिए कैसे देना चाहिए ऐसे दूर दूर देना चाहिए और कितना देना चाहिए, तो मौली ने बताया है जैसे मूल सिंचनी यानी मूल यानी मराठी में बोलते है और हिंदी में जड़े बोलते है, जैसे जड़े यानी जड़े को सिंचन सिंचन यानी संतुड़ा जो छड़ा छड़कते हैं हम भूमि के सतह पर ऐसे तरीके की पानी देने की जरूरत है, क्योंकि तब वापसा कंडीशन वाला हुआ हमारे मिट्टी में रहते है, नहीं तो ज्यादा पानी दिया तो कीचड़ बनता है, कीचड़ में हवा नहीं रहती हमारे सब जीवाणु मर जाते है, इसीलिए पानी कितना कैसा देना है कहाँ देना है ये कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते है। इसीलिए मैंने जो बताए ज्यादा से ज्यादा दूरी हम 8 फीट भी करते है 2 लाइन की, तो 3-4 महीने के बाद जो पानी देने का तरीका है तो 2 लाइन के बीच में 8 फीट पे 4 फीट पे दोनों लाइन से बीच में 4 फीट पे एक नाली छोटी बनाकर उस नाली में खाली पानी छोड़ना है, और उसका जो आपसे आप वापसा कंडीशन वाला वैसे बाकी मिट्टी आपसे आप नमी आती है और जड़े नमी की ओर खींचती है, और ये भी और क्या फायदा है ज्यादा दूरी क्यों करना है, हमने मैं जब यूपी में जाता था तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फुट के नाली ज्यादा नहीं निकलते वही लोग, लेकिन मैंने जो प्रयोग करके दिखाया तो उनको पता चल गए कि जितने जड़े लंबे उतना हमारा गन्ने के वजन वेट और जाड़ी बड़ा हो ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी कुदरती देन ऐसी है प्राकृतिक खेती में ऐसा है जो सूर्य प्रकाश हमारे
हरी पान पे गिरता है हमारी फसल की, तो दिन भर तैयार होने वाले अन्न शाम को वो रखने के लिए जड़े में जाते हैं। हर रोज यह साइकिलिंग चालू है। ये साइकिलिंग को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी अन्न ग्रहण क्रिया। हर फसल के पत्ते सन सूर्य प्रकाश के माध्यम से हर रोज दिन में अन्न बनाते हैं। यानी मैंने तो पहला ही बताया था कर्बोदक बनाता है पहला, वो पर पूर्ण दिन भर तैयार होने वाले अनाज कहाँ रखता है? जड़े में। तो इसके लिए जड़े लंबी होना चाहिए, बड़े होना चाहिए। यानी हर फसल के जड़े हर दिन तैयार होने वाले अनाज रखने के लिए एक गोडाउन है। तो वो गोडाउन कैसा तरीके से हम व्यवस्थित रखने के लिए कैसा बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए उसका पानी व्यवस्थापन उपयोग आता है। हर फसल के जड़े को आमिष जो है वो नमी का है। जितने नमी हम दूर दूर लेके जाएंगे उतना वो पीछे पीछे वो जड़े पीछे पीछे जाते हैं और लंबे होते हैं और बड़े होते हैं। और उसका फायदा क्या होता है? जो सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती है दिन भर, वो तैयार होने वाले जो अन्न है वो कहाँ जाते हैं? जड़े में रखने के लिए जाते हैं। ये कितना दिन करते हैं? हर फसल का एक फिक्स कार्यक्रम होता है। वो एक मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे गन्ना है, गन्ना 8 महीने प्रकाश संश्लेषण करता है, बाद में 4 महीने में वो जड़े में जो रखे है वो उठाकर शुगर के माध्यम यानी ऐसा फिर वापस आता है। ऐसा कुदरती का नियम है। ऐसी तरीके से कुदरती खेती यानी प्राकृतिक खेती मैं आज कम से 26 साल हुआ करता है। कुछ डालने की जरूरत नहीं, कौन सा भी खाद डालने की जरूरत, कौन सा ही खाद अनाज नहीं है फसल का, गोबर खाद भी नहीं। गोबर खाद है किसी का है जीवाणु का, जो गांडोल केचुआ मैं बोल रहा है अभी, उनका खाद है फसल का नहीं। वो खाकर उनके जो विष्ठा के माध्यम से जो ह्यूमस तैयार होता है वो ह्यूमस यही हमारी फसल के सही अनाज है यानी जीवन द्रव्य है। बस उतना ही किया तो हमें कुछ खर्चा ही नहीं, खाद डालने की जरूरत नहीं। और जो तीसरी त्रिसूत्री है, पहली जीवाणु बढ़ने की हुई, अभी उत्पादन ज्यादा मिलने के लिए बोला मैंने कि दक्षिणोत्तर नालियां निकालकर नालियां कितना दूरी रखना है और बीच में क्या करना है, ये सब किया तो 80% बीमारी आती नहीं हमारी फसल को, क्यों? पानी कम किया है। 20 मिनट में पानी खत्म होना चाहिए, मिट्टी में पानी दिखना नहीं चाहिए, ऐसे तरीके से पानी देना है तो पानी कितना कम होता है यानी कीचड़ नहीं होता, तो हमारे जीवाणु अच्छी तरीके से काम करने में शुरू करते हैं। और 80% बीमारी नहीं आती ऐसे तरीके से किया तो, जो 20% बीमारी आती है हमारे फसल के तो वो हवा के माध्यम से आते है। तो उसके लिए एक त्रिसूत्री बनाई मैंने हमारी खेती में, और जो धतूरा बोलते है सफेद धतूरा बहुत कड़ियला रहता है कड़वा, उसको हाथ जरी लगाया तभी बहुत देर उसका गंदगी नहीं जाती, इतना कड़वट स्मेल आता है उसका। वैसा ही कांग्रेस है यानी उसको क्या बोलते है गाजर गव घास भी बोलते कई लोग कई जगह, मैं कांग्रेस बोलता हूँ। और टंटनी, टंटनी का कैसी होती है, हरी पत्ते रहते है उसको फूल में गुच्छ के फूल आते है 2-3 रंग के, पीला रेड यानी लाल ऐसे तरीके से गुच्छे से फूल आते है उसको टंटनी, उसका भी स्मेल ज्यादा आता है गंदगी जाता है। जो तीनी मिलकर 20-25 किलो लगभग ऐसा उखाड़ कर उसका एक गड्ढा बांधना है दूरी में और वो 100 लीटर पानी में डुबा कर रखना है, कितना? 3 दिन। 3 दिन क्यों रखना है? 3 दिन से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा गए तो उसका खराब होता है। और तीसरे दिन उसको ऐसा हिलाकर, वो बंडल हिलाकर पानी में बाहर फेंक देना है और वही पानी डायरेक्टली छिड़काव किया था उससे कौन सी भी बीमारी आई तो वो खत्म हो जाती है। 1-2-3 बार किया, 4-4 दिन के 8-8 दिन के बाद किया। तो मैं कोई क्या बोलता है, एक तो यह पहला ही करना चाहिए, हमारी फसल को हम इलाज करने की जरूरत नहीं, प्रतिबंध करना सीखना चाहिए। तो वो जो मैंने बताया धतूरा कांग्रेस और टंटनी, वो तीन ही मिक्स करके 3 दिन पानी में डुबा कर 100 लीटर पानी में 20-25 किलो और वो छिड़काव करना है, वो कभी करना है। हमने फसल किया 3-4 पानी पे आया 1-2 महीने का हुआ तो पहला ही करना है, बीमारी आने की जरूरत रहा नहीं करनी जरूरी, उसको विलास करना बोलता है, विलास करने की जरूरत ही नहीं। यह प्रतिबंध करने का एक तरीका है। उस वो जो स्मेल है उससे वजह से कौन से भी कीड़ हमारे पत्ते के ऊपर बैठकर उसका जूस चूस नहीं सकते, क्योंकि वो कड़वेला रहता है कांग्रेस धतूरा,
बस इतना सारा सिंपल है। हमारे मराठी में एक कहावत है, सहज असोनी सायाशी पड़ोची नहीं, यानी इतना इजीली है तो कष्ट में क्यों जाना चाहिए जरूरत है। कुछ खाद डालने की जरूरत नहीं, दवा छिड़कने की जरूरत नहीं, ऐसे तरीके से खेती किया। तो ये मैं इतनी त्रिसूत्र क्यों बताया दिया है पता है आपको? मानो ऐसा है, हमारे इस मिट्टी पे जैसा एक स्वर्ग मृत्यु पाताल, ऐसे तीन है ऐसा बोलते है। वो नहीं सम माने तो एक ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन गॉड के ऊपर ये ब्रह्मांड चल रहे, ये भी नहीं समझते आप समझ सकते, एक अंधश्रद्धा मानो। तो आगे जाकर मैं ऐसा कहूंगा, जैसा मन बुद्धि चित्त जब एक एक जगह आएंगे तब हमारी गॉड की प्राप्ति होती है, वैसा नहीं समझे तो मैं ऐसा बोलता है, हमारे बॉडी में जो बीमारी आती है वही वात पित्त और कफ, इसके वो जब बाहर नहीं आते, वात पित्त और कफ इसमें इनमें से है। तो हमारे ब्रह्मांड में पूरे त्रिसूत्र में बिठाया गया है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए यही त्रिसूत्र आप जरूर मानेंगे। मानो आप क्रिया ऐसे तरीके से कृति किया तो आप सक्सेस हो सकते हैं, कि मैं तो सक्सेस हुआ ही। मेरे जो दोस्त कंपनी है बहुत सारे आप वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके से मैंने जो मार्गदर्शन किया है ऐसा, तो बाहर तीन चार राज्य में जाकर ऐसा बता दिया है और ऐसी कुछ डेमो भी लगा कर दिया है, सभी को एक्सपीरियंस आए। लेकिन इसमें अवेयरनेस यानी सातत्य होना चाहिए, इसके लिए हर किसानों ने हमें क्या करना है, सत्य सत्य क्या बोलता है, हम जो करते हैं खेती उसमें कुछ मिलावट नहीं करना, कुछ केमिकल नहीं डालना, और जो ऐसा इस तरीके से किया तो पूरा जो हमारे उत्पादन मिलने वाला है वही पूरा विषमुक्त मिलने वाला है, और हम जो बाकी ग्राहकों को बेचता है उसको भी अमृत बेचते है, उसका पुण्य हमें या आपको सभी को जरूर मिलना जरूरी है, और वही मिलना चाहिए। तब हम जैसे मानवता की जो संख्या बढ़ती है कोटि कोटि में बढ़ जाती है हमारे देश के या जागतिक लेवल की, लेकिन खेती नहीं बढ़ती, एक एकड़ है तो वही एक एकड़ है हमेशा, जैसी पृथ्वी तैयार रही वैसी रही आई है और आगे भी इसको फैल नहीं सकती, संख्या बढ़ जाती है हमारे आदमी की सेविंग को, लेकिन खेती ही उतनी है, एक चौरस स्क्वायर फुट रहेगा एक चौरस स्क्वायर वो फैल नहीं सकती। तो उसको एक बढ़ाने के लिए, उनकी उपज बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए हम तो जरूरी यह तरीका से कर सकते हैं, इसलिए मैंने जो अभी फॉर्मूला बता दिया वो बहुत इजीली है, ज्यादा कष्टप्रद नहीं है और फायदेमंद भी है, और इस ऐसे सभी किसानों ने किया तो सभी किसानों को बहुत सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है। बस उतना ही मैं आप सभी को कह अभी बोल सकता हूँ, और अपने सबने सुनकर या ऐसी तरीके से खेती किया तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्ते।